शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, लाल किताब के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा जो प्लैनेट चंद्रमा है, मून, ये हमें कष्ट कब देते हैं, कब हमारे लिए दुखदायी हो जाते हैं, हमारे किन कर्मों की वजह से। दूसरी चीज हम आपको बताएंगे कि चंद्र जब कमजोर हो या चंद्र अच्छा नहीं हो तो हमें क्या तकलीफें हो सकती हैं। तो जब तकलीफ है तो फिर दवा भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई चंद्र तकलीफ क्यों देते हैं? देखिए, जब आप किसी सम्मानजनक स्त्रियों को कष्ट देते हैं तो फिर आपको चंद्र की वजह से प्रॉब्लम होगा। अब हम सम्मानजनक स्त्रियां किन्हें कहेंगे, जो भी हमसे उम्र में बड़ी हैं, जो भी हमारे लिए पूजनीय हो, माता, नानी, दादी, सास और इनके पद के समान वाली स्त्रियों को कष्ट देने एवं किसी से द्वेष पूर्वक ली वस्तु के कारण चंद्रमा फिर अशुभ फल देता है। रोग क्या होंगे इससे? देखिए, चंद्र ग्रह से मानसिक रोग थोड़ा सा ज्यादा होता है। चंद्र संवेदनशील लोगों का अधिष्ठाता ग्रह होता है और यदि चंद्र कमजोर है तो मन कमजोर होगा और आप भावुक अधिक होंगे, कठोरता से आप तुरंत प्रभावित हो जाएंगे और सहन शक्ति भी कम होगी। इसके बाद सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ जैसी जो व्याधियां हैं, इन सब चीजों से आप जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, उपाय भी समझ सकते हैं आप इसको, कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि आपको भी संक्रमित होने में देर नहीं लगेगी। चंद्र अधिक कमजोर होने से सर्दी से पीड़ित होंगे। चंद्र के कारण स्नायु तंत्र भी प्रभावित होता है। तो इसका उपाय, यदि आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं तो उपाय है, ये है कि आप शिव चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि आप दान करना चाहते हैं तो चावल, दूध, चांदी या मोती दान कीजिए। अब दान के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है, जब हम दान शब्द इस्तेमाल करते हैं तो भाई अब दान दे तो किसको दे? दान दो तो मंदिरों में भी दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता है, गरीबों को भी दान दिया जाता है। तो ये जो दान जो हम आपको करने कह रहे हैं, ये दान एक्चुअली में वैसे लोगों को करना चाहिए जिन्हें इनकी जरूरत हो। अब चांदी या मोती, अब भाई यदि कोई रोज रोड पे बैठे हुए हैं, आप उनको चांदी या मोती दो तो बेचारे क्या करेंगे, बताइए। तो आप उन्हें चावल या दूध दे सकते हैं। मंदिर में जाके आप जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी दान दे सकते हो, चावल, दूध, चांदी या मोती। ये एज पर योर विश है कि आपकी बुद्धि क्या कहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दान के विषय में बताया कि दान आपको कहाँ करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, ठीक, धन्यवाद। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल।